एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटर पनीर मसाला करी रेसिपी, जो आप बहुत ही कम समय में झटपट से इसे बना सकते हैं। स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे झटपट से हम बनाना शुरू करते हैं। आप इसे किसी के साथ पूड़ी या फिर नान रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर मटर पनीर का मसाला करी बनाने के लिए हमने लिए है लहसुन की कलियां, अदरक, 4 मीडियम साइज के प्याज। इधर मैंने लहसुन कलियों को छील लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी छील के हमने कट कर लिया है। और इधर हमने 4 टमाटर लिए हैं, 4 से 5। और इधर हमने 4 मिर्च लिए हैं। और इधर मैंने 7 से 8 काजू लिए हैं, इसे भी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे क्रश करके। और इधर हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसे हमने छील कर कट कर लिया है और इसे धोकर अच्छे से कट कर लेंगे। तो इधर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, इस पर रखे हमने अपने धुले हुए टमाटर। दोस्तों, हम इस तरीके से जब भून के हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो इस तरीके से टमाटर की स्मेल बहुत ही अच्छी आती है ग्रेवी के अंदर। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं। दोस्तों, इसे भूनेंगे हम तो इसे भूनने में हमें 102 मिनट का टाइम लगेगा। और इस तरीके से आप हाई फ्लेम पर इसे पका सकते हैं और आप हाथ से फिर या फिर चिमटे की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने इसे पलट लिया है। इस तरीके से आपको पलटते हुए इन्हें भून लेना है। और कुछ देर बाद ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से भून चुके हैं और हम इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से भून चुके हैं। इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है। और इधर मैंने एक कप पानी लिया है, इसे कुकर में हमने डाल दिया है। और इधर हमने प्याज लिए हैं, इन्हें भी चॉप करके कुकर में हम डाल देंगे। और इन टमाटरों को भी हम इसी के साथ में ही बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से अपने टमाटर और प्याज को बॉईल कर लेना है। दोस्तों, हमें इसी में ही अपने ये काजू भी डाल देने हैं। और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें एक विशेष आने तक इसे पकाना है। एक विसल्स के बाद देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से और बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। वही देखिए, हम अपने टमाटरों को निकाल लेते हैं। टमाटर और प्याज को हमें अलग अलग निकालना है। और इधर देखिए, मैंने अपने सारे प्याज को निकाल लिया और बाकी का ये बचा हुआ पानी हमें फेंकना नहीं है। इधर मैंने 1.5 किलो पनीर लिया है। और इधर हमने अपने जो प्याज था उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया मिक्सर ग्राइंड में। इधर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का भी एक साथ हमने पेस्ट तैयार किया है। और इधर टमाटर का भी हमने अच्छे से मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है। तो इधर हमारा 1.5 किलो पनीर और 1/2 किलो मटर है, इसी से हम अपनी मसाला मटर करी तैयार करेंगे। आप चाहो तो सीजनिंग मटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर सफल मटर का यूज़ किया है और इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है 2 विसल्स आने तक। और ये देखिए, अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें अपने मटर को बॉईल कर लेना है। और इधर मैंने बड़े भगोने में डाले हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। दोस्तों, हम ग्रेवी के अनुसार बड़ा भगोना यूज़ करेंगे। और इधर देखिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाले हैं मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा। और इधर डालेंगे हम अपना पेस्ट, जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था उसे हम इस तरीके से इस पर डाल के अच्छे से करछी की मदद से आप चला सकते हैं। और इधर देखिए, ये अच्छे से भुन चुका है। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने एक साथ तैयार किया था उसको भी हम इसी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मसालों के अंदर इन्हें भून लेंगे। और ये देखिए, चलाते हुए हमें इस तरीके से अच्छे से इन्हें भून लेना है ताकि ये मसाले आपस में तली में लगे नहीं। और इधर 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इधर मैंने 3 टेबलस्पून नमक का यूज किया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। और ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे और अच्छी तरीके से भून लेंगे और कुछ देर
एक मिनट इसे कवर करके मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। और ये देखिए कुछ देर बाद देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम जो अपने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, भुने हुए टमाटरों का, उसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करके कुछ देर कवर करके इसे पकने देंगे। और ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। दोस्तों मिठास लाने के लिए मैंने इधर 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसकी जगह हाफ मिनी छोटी चम्मच चीनी का यूज कर सकते हैं इसमें हल्की मिठास लाने के लिए, नहीं तो आप मावा भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे कुछ देर ढक के पकाने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर कलर भी आ गया है और हमारे मसाले अच्छे से मसाले पक चुके हैं। इधर मैंने 2 चम्मच पनीर मसाला, आपके पास जो हो वो अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। और इसे हमने अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है। अब डाली है इसमें हमने अपनी पकी हुई मटर जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था, इसे भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स करते हुए कुछ देर 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे कवर कर जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और अच्छी तरीके से फ्लेवर ना आ जाए। और ये देखिए इसमें से अच्छे से हमारे मसाले बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से भून चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। अब दोस्तों इसमें डालेंगे हम 2 बड़े कप पानी, इसे हम अच्छे से पहले बॉईल कर लेंगे। दोस्तों पनीर इधर मैंने भुना नहीं डाला है, हम ऊपर से कच्चा पनीर ही डालेंगे। और ये देखिए पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से कवर करके इसमें उबाल आने तक इसे पकने देंगे। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब डालेंगे हम पनीर। दोस्तों आप चाहे तो पनीर को आप फ्राई कर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें इस तरीके से ही पनीर डालूंगी बिना फ्राई करे। आपको जिस तरीके का पसंद है उस तरीके का आप इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने इधर कच्चा ही पनीर इसमें डाला है। और ये देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे प्लेट से कवर करने के बाद 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देंगे उबाल आने तक। और ये देखिए थोड़ी देर और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। दोस्तों आप इसमें ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं, मैंने इधर मटर पनीर मसाला करी बना रही हूँ इसलिए इसमें ग्रेवी तो होगी ही दोस्तों। और ये देखिए हमारी इधर मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसमें मैंने कटा हुआ धनिया सर्व किया है, आप चाहो तो इसमें सर्व कर सकते हैं आपको पसंद हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी मसाला मटर पनीर करी बन करके बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से तैयार हुई है। और ये देखिए दोस्तों ढाबा स्टाइल मटर पनीर करी हमारी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में या फिर प्रेशर कुकर में किसी में भी आप बना सकते हैं, मैंने इसे इधर भगोने में बनाया है। तो ये देखिए हमारी मटर पनीर करी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूड़ी या रोटी या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। आप पूड़ी के साथ खाइए, जिससे आपको पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं। और दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ भूमिका कुमारी 999। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।